नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राजेंद्र गुप्ता आईपीएल इंडिया से। अभी मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें शोभा बिजेंद्र जो कि हमारे वर्तमान बीजेपी के विधायक हैं रोनी क्षेत्र से, उन्होंने कुछ एलिगेशन लगाए थे पूर्व विधायक राजेश गर्ग जी के ऊपर जो कि छेड़छाड़ से और मिसबिहेव से संबंधित थे। और उनका कहना है कि एक इलीगल एनक्रोचमेंट या एक कब्जा महाराणा प्रताप एक कम्युनिटी सेंटर पे उन्होंने किया हुआ है, एक एनजीओ चलाते हैं। तो उसी संदर्भ में मैंने राजेश गर्ग साहब जो कि हमारे पूर्व विधायक रहे हैं वो आज हमारे स्टूडियो में हैं, क्योंकि जो एलिगेशंस हैं बड़े सीरियस हैं, मैटर कोर्ट के अंदर है, कोर्ट के संज्ञान में है। इनको एक सम्मन मिला है जिसकी तारीख 22 अप्रैल 2024, मतलब आज से 3-4 दिन बाद उसकी तारीख है। और उसी बारे में मैं भी थोड़ा अवेयर हुआ कि एक सभ्य महिला के ऊपर इस तरह के लांछन लगाना, इस तरह के कमेंट्स करना, इस तरह की छेड़छाड़ करना वाकई एक सभ्य समाज के अंदर गलत है। और इसी कारण से मैंने आज स्टूडियो में राजेश गर्ग जो पूर्व विधायक रहे हैं और जिनके ऊपर सारे एलिगेशन है उनको मैंने कॉन्टेक्ट किया, बुलाया और उन्हीं से पूछते हैं कि ये क्या उन्होंने किया या ये क्या हुआ जिसके कारण ये कल मुझे ये लिखना पड़ा कि क्या राजेश गर्ग जेल जाएंगे, और जाएंगे तो क्यों जाएंगे और नहीं जाएंगे तो क्यों नहीं जाएंगे। आज इसी पर चर्चा करेंगे हमारे भाई राजेश गर्ग के साथ। नमस्ते, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ। एक विवादों से आपका नाता जो है जुड़ा हुआ है, या विवाद का दूसरा नाम राजेश गर्ग है क्या? कह सकते हैं। मैंने वीडियो देखा। देखो मैं थोड़ा बेबाक हूँ और कहीं आप तो मुझे जेल भेजने को तैयार हैं और वो हमारी भाभी भी। देखो जहां तक किसी भी महिला का एक सभ्य समाज के अंदर हम कुछ भी करें, आपस में दो जेंट्स भेज जाए तो चलता है, लेकिन एक महिला बीच में इन्वॉल्व है तो वो नहीं चलता। हाँ, मे भी ये भी हो सकता है कि वो एलिगेशन उनकी तरफ से है, वो ठीक है या वो गलत है, उसकी तो उसी के लिए मैंने आपसे नहीं, मैं आप पर छोड़ता हूँ। आपको लगता है कि जो वो बोल रही है वो सच है? मुझे तो इसलिए लगता है कि जो आपका मैं पुराना इतिहास देखूं उससे मुझे लगता है कि आप कुछ भी कर सकते हो। क्या क्या पुराने इतिहास से क्या कहने का मतलब है? मैं अगर आपकी जगह होता राजेंद्र गर्ग साहब, आपको जितनी अपॉर्चुनिटी मिली है इस सत्ता के गलियारे के अंदर राजनीति में सामाजिक, शायद मैं या कोई भी होता तो शायद आज मैं बुलंदियों को छोड़ रहा होता। मैं आपको ऐसे नहीं जानता, मैं आपको उस दौर से जानता हूँ जब आपको राजनीति के जो आज के युवा हैं वो सोच नहीं सकते आप उस पद पर थे। आप यूथ कांग्रेस के, युवा कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी थे ऑल इंडिया के, और हमारे सुरजेवाला साहब जो है प्रधान थे, आज सुरजेवाला साहब जो है MP बनते हैं, कांग्रेस सरकार के अंदर मिनिस्टर थे, UPA सरकार के अंदर मिनिस्टर थे, और आप सीधे सीधे फर्श पर हैं। आप जो है एक बने बनाए MLA आम आदमी पार्टी की बात अलग है कि आज वो RCC गर्त में गई हुई है और कुछ उनके पास एलिगेशन हैं, सारी पार्टी जो है चेंज में ढूंढ पड़ी है, लेकिन आप उसके मिनिस्ट्री के दावेदार एक जीते हुए MLA, और आपने उन धुरंधरों को हराया जो ये कहते थे कि रोनी के अंदर हमारे अलावा कोई है ही नहीं। और एक वही समय था जो गैर भाजपा का व्यक्ति रोनी क्षेत्र से जीता था। नहीं, वो बात ठीक है आपकी सारी, वो तो चलो इशू, लेकिन राजेश गर्ग क्या कर दे और कहां किसी बात को मोड़ दे दें और कब क्या हो जाए। देखो अब मैं बोलता हूँ, आपने काफी डिटेल चर्चा और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि कांग्रेस में भाई, मेरा कहने का मतलब है कि जो कोई भी कर सकता वो आप कर देते। हाँ, और ये इस काम के लिए हिम्मत चाहिए। देखो शोभा विजेंदर हमारे मित्र की वाइफ है और हमने जो पॉलिटिकल जो जीवन शुरू किया था विजेंद्र गुप्ता और हमारा इकट्ठा है जी। और शोभा जी को 83 से मैं जानता हूँ, वो उत्तरण कॉलेज में थी, हम शिवाजी में थे, लेकिन हम एक ही कॉलेज। मैंने शिवाजी कॉलेज छोड़ा है और आपने ज्वाइन किया है। हाँ जी, वो आप मेरे 4 साल जूनियर रहे हैं, मैं शिवाजी। बहुत सारी बातें निकलेंगी, मेन मुद्दे पर आते हैं जी। शोभा जी वाला मामला है क्या जो कुछ मीडिया ग्रुप चढ़ा रहे हैं? बिल्कुल। और मीडिया हाउस का तो पर्पज है कि लोगों के सामने फैक्ट्स को लेकर। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैंने कल आपकी वीडियो देखी और पूरी देखी,
और आपने जो उनसे क्वेश्चन किए वो वाजिब क्वेश्चन थे। यदि जिन लोगों ने वो वीडियो देखी है, वो जो देखें क्योंकि कल ही अपलोड हुई है, उस वीडियो में उनके चेहरे को देखकर ही वो आइडिया लगा लेंगे कि ये मैडम जी टोटल झूठ बोल रही है। लेकिन कोर्ट तो सबूत मांगता है ना, किसी को चेहरे को असस्त तो करता नहीं। माननीय अदालत ने मुझे 22 अप्रैल को कोर्ट में बुलाया, समन आए हैं, पुलिस लेके आई थी, मैंने स्वीकार किया, मैं 22 तारीख को कोर्ट में जाऊंगा, क्योंकि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो लॉ को मानता हूँ, जिंदगी में कभी भी लॉ के खिलाफ काम नहीं किया और ना यहाँ किया। जो ये शोभा जी की संस्था है संपूर्णा NGO, उसका शुरुआत उसके रजिस्ट्रेशन से होती है, उसकी कॉपी मेरे पास है और रजिस्ट्रेशन ही इलीगल है, क्योंकि जब भी कोई सोसाइटी रजिस्टर होती है उसमें एफिडेविट जाता है कि इस संस्था के अंदर जो व्यक्ति हैं, इन द लिस्ट ऑफ द डिजायरस पर्सन देयर इज नो वन रिलेटेड टू मी बाय वे ऑफ ब्लड रिलेशन और अदरवाइज। अब इनके भाई का नाम उसके अंदर है संजय गौतम का, क्या भाई का और बहन का ब्लड रिलेशन नहीं होता? बस बात आगे बढ़ाऊंगा। सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन इलीगल, एक चीज, सोसाइटी का ऑफिस इलीगल, बेसमेंट में ऑफिस हो नहीं सकता, बेसमेंट के अंदर किसी इस प्रकार की एक्टिविटी हो नहीं सकती, बेसमेंट तो पार्किंग के लिए होती है, स्टोरेज पर्पज के लिए होती है। दो चीज, साहब एम ए काउंसलर हो गए इनके, संस्था भी चल रही थी निगम के कम्युनिटी हॉल को इन्होंने बिल्कुल 100% लीगल वे में लिया, मैं कह रहा हूं। फिर वो तो एक वो दिख रहा था, एक दिख रहा था, लेकिन लीगल वे के साथ साथ वहां पर हुआ भाई भतीजावाद। इनके पति ने लेटर दिया कि मेरी पत्नी को इस संस्था को दे दिया जाए, और वो निगम पात्र थे उनको दे दिया, चलो वहां भी हमें कोई इतराज नहीं है, ये दिया जा सकता है। अगर मैंने तो मना नहीं करा ना, लेकिन और वहां क्या शुरू हो गया, इनको जो कम्युनिटी हॉल दिया गया था, मेरे पास वो एग्रीमेंट की कॉपी है। देखो मैं बिना सबूत के बात नहीं करता, मेरे खिलाफ जीवन भर में बहुत मुकदमे दर्ज हुए, लेकिन और मैं एक भी केस नहीं हारा आज तक, एक भी केस, क्योंकि जय भगवान अग्रवाल इसका एग्जाम्पल है। आप मान लेते, आप इस बात को मान सकते हैं, जो क्षेत्र के पूर्व विधायक है उन्होंने भी इसी कोर्ट में, जिस कोर्ट में शोभा जी गई है वो भी गए थे, वो MLA भी गई और बाद में उन्हें कोर्ट के अंदर यही काम शोभा भाभी विजेंद्र जी के लिए कर रही है, क्योंकि ये सारा काम इलीगल पे इलीगल होता जा रहा है। इनको जो अलॉटमेंट हुई थी सर, ये मेरे पास की कॉपी, 27 अप्रैल 2004 को ये अलॉटमेंट हुई, इनका एग्रीमेंट हुआ और उस एग्रीमेंट के तहत इनको जो दिया गया था वहां पे, उस समय इस कम्युनिटी हॉल में केवल और केवल, सुनो क्या क्या था उस कम्युनिटी हॉल में, उस कम्युनिटी हॉल के अंदर एक तो हॉल था और दो कमरे थे, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये एग्रीमेंट बोल रहा है, एक हॉल और दो कमरे उसमें थे, एग्रीमेंट है जो कि कोर्ट के अंदर इन्होंने पेश किया, इन्हीं का एग्रीमेंट है, मेरा तो नहीं है। इसमें लिखा है कि एक हॉल और दो कमरे इनको दिए जा रहे हैं एनजीओ को, उसको मेंटेन करने के लिए, इसको रन करने के लिए, इससे जो इनकम होगी उसके लिए अकाउंट खुलेगा किसका, MCD के अफसरों का, और इनकम मिलकर उसके अंदर रह जाएगा, वो पैसे सारे जमा हुआ होंगे, ये इसकी सफाई कराएंगी और उसके अंदर उसी दौरान ये कुछ सामाजिक कार्य कर सकती है। ये मिल गया, 5 साल चला, उसके बाद लाइसेंस का रिन्यू इन्होंने मैनेज कर दिया, क्योंकि उस समय खुद निगम पार्षद हो गई। लेकिन ये मैडम करती क्या है, करती क्या थी, कोई भी हॉल बुक करके आए तो ये उनको देनी, अभी तो इन्होंने वहां 4 कमरे बनवा दिए, एक हॉल के 2 हॉल हो गए, मतलब इलीगल कंस्ट्रक्शन, इलीगल कंस्ट्रक्शन। वैसे ये अगर MCD की प्रॉपर्टी है, MCD का कम्युनिटी सेंटर है, और जो व्यक्ति वहां पर किराए पर है या वहां रहता है, लीज पर रहता है, तो वो कंस्ट्रक्शन तो नहीं कर सकते। जब भी कोई कम्युनिटी हो, जो भी कोई प्रॉपर्टी बनती है, सरकारी बने या प्राइवेट बने, वो मास्टर प्लान के हिसाब से बनेगी, उसमें सेटबैक एरिया छोड़ना पड़ेगा, कुछ ओपन एरिया छोड़ना पड़ेगा, उसके बेस पर बनेगी। मैडम ने क्या किया, कमरे बनवा दिए, टॉयलेट बनवा दिया, जो कटौती उन्होंने किया चलो कर दिया, पब्लिक इंटरेस्ट में। इन्होंने
पिछले 20 साल में एक दिन भी एक भी व्यक्ति को होल नहीं दिया खाली करके। जब सरकार को मालूम हुआ तो उन्होंने बुकिंग अपने हाथ में ले ली और इनको बोला भी आप गलत कर रहे हैं, ऑन पेपर है, ऑन पेपर है, सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन इलीगल, इलीगल कंस्ट्रक्शन। और इन्होंने चाह दिया मैडम जी ने, ये जो रास्ता था ये वहां था रजापुर गांव की तरफ, इन्होंने जो साथ में एडजोइनिंग पार्क है एमसीडी का, एक एकड़ का पार्क, उसकी चार दीवारी करा दी पूरी, एक बड़ा गेट लगा दिया, गेट पे अपनी नौकरानी को बिठा दिया वहां पर उसकी देखभाल सफाई के लिए, इलीगल कंस्ट्रक्शन। उस पार्क पे कब्जा कर दिया और गेट जो गांव की तरफ था गेट को तोड़कर वो इस पार्क में से कर दी। अब ये पार्क भी इनका। तो मैं भी एक बार माना पड़ता वो कम्युनिटी सेंटर में गया हूँ, एक कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग अलग है और साथ में पार्क है, तो आपके कहने का मतलब है कि पार्क और वो बिल्डिंग दोनों सेपरेट अलग अलग एंटिटी है दोनों की। लेकिन क्योंकि मैं तो ये समझता था कि कम्युनिटी सेंटर इतना बड़ा है और उसके साथ ये पार्क जन है, और इन्होंने तो उसको किया। उसके बाद क्या हुआ, इनके पति ने अपना ऑफिस बना लिया पार्क के अंदर, क्योंकि सरकार अपनी है, एनसीडी के वरिष्ठ अधिकारी जोर डालकर जो भी कर। ये तो अब आते मेन बात पर, केस की बात पे, सोसाइटी इलीगल, कब्जा इलीगल, सोसाइटी जो ये कहती है मैडम कि 4 जनवरी 2014 में क्या हुआ, मुझे किसी भी महिला के साथ अभद्र व्यवहार तो गलत है, आपको लगता है मैंने किया होगा? लेकिन आपके आपके देखते हुए आपकी एग्रेसिवनेस का मतलब थोड़ा कि मैं किसी महिला को, किसी बहन को, किसी बेटी को उससे बदतमीजी करूंगा। लेकिन कोई बहन, बेटी, भाभी कोई भी यदि बदतमीजी करेगी तो उसकी उसका विरोध तो मैं करूंगा। सुनो, मुझे पता था ऐसा हो सकता है, मैं इतना पागल नहीं हूं, मैं भी अनाज खाता हूं। मैंने एक तो कैमरा मैन वहां रखा था उस दिन, अभी कोर्ट में सारी वीडियो जमा हुई है, उस पूरे एपिसोड की शुरू से लेकर आखिर तक फिल्म हमारे पास है, वीडियो हमारे पास है, किसी के पास नहीं। एक चीज दूसरा, मैंने पुलिस को इन्फॉर्म करा दो दिन पहले कि हमारा परसों प्रोग्राम है और वो शोभा जी की एक हिस्ट्री है, इससे पहले जिस जिसकी बुकिंग हुई है महिलाओं से धमकवा के भगवा के हाथ भी करके हमारे थक जाता भाई काउंसलर की बीबी है, फिर काउंसलर को दो। तो मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर रखा था, मौके पर एसएचओ भी था, मौके पर लेडीज पुलिस भी थी, मौके पर एमसीडी के लोग भी थे। जब वो मौके पर आ गए तो मैं पहुंचा, मतलब पुलिस के या एमसीडी स्टाफ के आने के बाद आप मैं पहुंचा हूं। या आपके पास वीडियो है? वीडियो है, सबूत है, अपने चैनल पर चला दो, मैं दिखा देता हूं, दे देता हूं आपको। उसके बाद सुनो, पहुंच गया हॉल खाली करने से मना कर, तो मुझे लगा कि महिलाएं हैं, बच्ची हैं, तो नौकरी कर रही हैं अपन साइड में बिल्कुल जो ओपन जगह पड़ी वहां आराम से नीचे बैठ गए गरीब साहब। वहां पर और पार्टियों के लोग भी थे, के बदवा वहां जो एमएलए का चुनाव लड़े थे वो मौजूद थे, जो आपके खिलाफ थे, मेरे खिलाफ लड़े थे, और हमारे परिवार की महिलाएं वहां मौजूद थी। वो जो गुंडा एलिमेंट कह रही है परिवार की महिलाएं वहां, वो तो आपने सुंदरकांड का पार्ट रखा था तो शायद चुनाव जीता हूं। अच्छा, वो कहती 12 बजे 250 आदमी आए थे और सुंदरकांड का जो पार्ट शुरू हुआ उसमें बस 70-80 आदमी थे। मतलब ऐसा हो सकता है कि 12 बजे मैं 250 लोगों को लेके आया, उसके बाद 3 बजे मैं 70-80 आदमी को लेके वहां बैठ गया। मैंने अब वो जो कह रही है शर्माते कोर्ट में फैसला होता है, वहां बैठे इन्होंने प्रयास किया। विजेंद्र गुप्ता का मुझे फोन आया कि यार आप, हम इकट्ठे पड़े हैं, इस धरने को उठा दो। मैंने कहा भाई सर धरना उठा दूंगा, आप हमें होल दिलवा दो। वहां परवेश भाई आया, वहां वीपी पांडे आया, वहां की सारी पार्टी के नेता इकट्ठे हो गए, सबने एक बात कही कि आप धरना डाल दो, वो तो खाली रहा। ये नहीं मानी इसने, आधा और खाली किया। हम वहां से गुस्से में बाहर आके धरने पर बैठ गए और रात को 7-8 बजे अपने घर आ गए। वो तो एलिगेशन लगाने के बाद अपार्टमेंट से रात को 12 बजे तक किसका फोन आया, इनके आधा किसका फोन था, कौन आदमी था, झूठ बोल रहे? ये तो उन्होंने बताया नहीं। खैर सुनो, अब मैं घर पहुंचा हूँ और मुझे पता था फोन पे फोन। मेरे का क्या हो गया, बोले जी आपने सोलह बदतमीजी कर दी। अरे मैंने कहा मैंने बदतमीजी कहाँ कर दी भाई साहब, हम आ रहे हैं और मेरे घर के बाहर जो मेरा घर है और पूरा मीडिया ओबी बैन लगी रात के 11-11:30 बजे, उनको मैंने पूरा बताया, वो सेटिस्फाइड चलेगा और टीवी मीडिया में आना शुरू हो गया। ये बात है शनिवार की, नेक्स्ट संडे था। इसने थाने में हंगामा किया, नारे लगाए, फिर वो जाकर हॉस्पिटल गई, उसकी मेडिकल रिपोर्ट भी मेरे पास है जिसमें लिखा हुआ मेडिकल रिपोर्ट में कुछ नहीं हुआ, उसकी कॉपी है। आपका पेपर ज्यादा इकट्ठा करते हो, पेपर जब आदमी कानून का आदमी कभी भी झूठी बात नहीं करेगा,
कानून को मानने वाला आदमी हमेशा सत्य के साथ रहेगा। इसीलिए आप अब तक तो सुरक्षा से निकलते जा रहे हो, नहीं तो राजनीतिक प्रपंच में जो फंसा हो गया। आप आगे सुन लो, अब इन्होंने जो थाने में रिपोर्ट दी उसकी कॉपी दी गई है सर। थाने की रिपोर्ट में मैडम कह रही है कि मेरा हाथ पकड़ा और मुझे फोर्सफुली धक्का दिया और मैं गिर गई, चोट लग गई, और मेरी सहेली भी को भी धक्का दिया, अलका चोट दी। मेडिकल रिपोर्ट आ गई, पुलिस ने मना कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ और आप झूठ बोल रही हैं। इन्होंने एक कंप्लेंट फाइल की कोर्ट के अंदर। कंप्लेंट फाइल करने वाले कौन कौन लोग थे? तरुणा कटारिया, शोभा भुजंदर और अलका चौधरी, उनके साइन ने पिटीशन के अंदर सामने पड़ दिया। उसमें क्या लिखा कि तरुणा कटारिया जो कि प्रधान है, प्रेजिडेंट है संपूर्णा की, उसने मुझे इन्फॉर्म किया, मैंने कागज निकलवा लिया। तरुणा कटारिया उस दिन सीढ़ी में थी अपने परिवार के साथ, अपनी मिटिया के साथ। तरुणा कटारिया सीढ़ी 2000 किलोमीटर दूर, झूठी, एक झूठ। दूसरा, जो थाने ने कहा था कि उसने मेरा हाथ पकड़ा, वहां कह रही है मुझे धक्का दिया पीछे से, स्टेटमेंट चेंज। तीसरा, अभी जो ये था 56-3 थी, अब जो 200 में इन्होंने डाली है, जो 56-3 में 156-3 की दो प्रेडिक्शन, दो रिविजन भी डिसमिस हो गई। कब हुई है? 10 अक्टूबर 2015 को। अब मैडम ने कहा कि क्योंकि उस समय ये ऑर्डर आ गए सर, वेकेशन ऑर्डर आ गए मेरे धरने के बाद। ये देखिए आप, 10-10-2014 को ये वेकेशन ऑर्डर आ गए कि आप इलीगल ऑक्यूपेंट हैं, इसे खाली करो। पढ़ लीजिए क्या लिखा है, डिप्टी डायरेक्टर का लेटर है कि क्या लिखा है, यू हेयर बाय डायरेक्टेड टू वेकेट द कम्युनिटी हॉल सेक्टर 9 रोहनी विद इन 48 आवर्स एंड फिजिकल पजेशन ऑफ द कम्युनिटी हॉल टू द डिपार्टमेंट, हैंड ओवर टू द डिपार्टमेंट। ओके, फिर झूठ हो गई। अब इसने किसी तरह पति एमएलए हो गया, मैनेज करकर सेटिंग करके इसको, इस मतलब कोई नहीं कराया, खाली नहीं किया, कब्जा बरकरार रखा, वो एनजीडी जवाब देगी कोर्ट के अंदर। इसने दोबारा 1 साल के लिए बढ़वा लिया जो मुझे जानकारी मिली। जैसे मुझे पता लगा मैंने फिर से कैद कर दी, मतलब आवाज उठाई सोशल मीडिया, लगा इसको फंसाना चाहिए। अब मामला शांत हो गया। अब रजापुर गांव के लोगों ने प्रदर्शन किया, मैंने भी वहां भाषण दे के आ गया, भाषण में जो सर मुझे मालूम था मैंने बोल दिया। अब मुझे गुस्सा आ गया, गांव के लड़कों को तो इन्होंने धमका के समझा के रिक्वेस्ट करके भगा दिया वहां से 4 दिन बाद पुलिस की सहायता लेके, लेकिन मुझे कैसे रोकेंगे। मैंने एक वीडियो डाल दी अपने चैनल पे, पारदर्शी सभा के चैनल पर डाल दी, जिसमें एक बात भी झूठ नहीं बोली। मैंने बोला डॉक्टर शोभा भुजंदर एक शालीन व्यक्तित्व की मालिक है, लेकिन इस मामले में लगा था एडिशन डिसमिस हुई, मैं डेट दे रहा हूँ, कागज दे रहा हूँ। ये उसी शोभा जी जो है उसी वीडियो का जिक्र कर रही है कि मैंने पुलिस रिपोर्ट कर दी। हाँ, बड़ी भद्दी और असली कुछ इन्होंने मेरे बारे में बोला है। मुझे नहीं पता कौन सी वीडियो की बात करिए, जो मैंने वीडियो पारदर्शी सभा पर डाली है वो सबके सामने हो पाने, देख लो, यदि उसके अंदर एक शब्द भी भद्दा गलत हो मैं माफी मांगनी मांगू, मैं काम कर दूंगा। नहीं लोग कहते हैं कि आप स्वामी दिल्ली दर्पण को देखो, मैं दिल्ली दर्पण के बारे में मेरे चैनल पर उन्होंने ये कहा है राजेश जी कि लोग कहते हैं कि यह मानसिक रूप से, कौन लोग कहते हैं आप कोर्ट में पूछो, कौन लोग उनको बुला लो झूठ बोलती है। इसने 3 दिन पहले भी कहा कि मानसिक रोगी है, मेंटली इल, ये वर्ड इस्तेमाल किया, उसका भी मेरा रिकॉर्ड है भाई, उनकी निगाह में हो सकता हूँ, मैं फिर भी कुछ खिलाफत नहीं करूंगा। अब इस समय मैं किसी भी सम्माननीय व्यक्ति को और सामाजिक व्यक्ति को अगर मेंटली इल या मेंटली सटका हुआ मामला बनता है खिलाफ डिफेमेशन का, चलो बाद में तय करेंगे। मैंने जो भी कंपिटेंट अथॉरिटी है उसको लिख दी है, मुझे ये मेंटली लिखी है, ये वीडियो देख लीजिए, वो बात की बात है। अब सुनो साहब, अब ये कोर्ट में फिर इन्होंने कारण क्या है, मैं देश का नागरिक हूं, मुझे अधिकार है कुछ भी पूछने का कहीं से किसी से भी, आपको भी अधिकार है, राष्ट्रपति से पूछ सकते हो कि आप किस कैपेसिटी में राष्ट्रपति हैं। मेरी आपके इतनी हिम्मत नहीं है, हिम्मत छोड़िए, अधिकार, मैं अधिकार हूं, संविधान को मानो, अधिकार तो सभी को है। आज की डेट में क्या वो पार्क में जो कब्जा है वो लीगल है, क्या ऑफिस लीगल है, क्या वो संपूर्ण जो कह रही है सो एंड सो मेरी एनजीओ काम कर रही है वो लीगल है, इनका लाइसेंस रिन्यू हुआ नहीं हुआ, उनकी उनकी इच्छा केवल ये है कि राजेश घर बैठते
जिम्मे एमएलए हट गया, रोजी रोटी में लगा रहा, काम जम गया, ये तो चांस की बात है। लोगों ने डिमोस्ट्रेशन किया ना, भाषण दिया कर लिए, इसने उठा के 8 मार्च को शायद डेट थी उसके उसने उठा के बयान दे दिया। अलका चौधरी क्या कह रही है ये देख लीजिए आप, तो कह रही बिल्कुल नहीं हुआ, भीड़ थी लेकिन राजेश गर्ग भाई साहब ने कुछ नहीं किया। अलका चौधरी इनकी तुरुमा कटारिया शिरडी में थी। अभी अभी आपने बताया कि तुरुमा कटारिया की, अरे सर आप देखो ना सर, ये देखिए ये मेरी रिपोर्ट है क्या? एसीपी साहब कह रहे हैं कि मैं मौके पर मौजूद था, ऐसी कोई घटना नहीं घटी। सुनो अलका चौधरी ये रही, ये कोर्ट का ऑथराइज लेटर है, बिल्कुल सर ये पेपर है, एक्शन पेपर है, अरे सर एक्शन टेकन रिपोर्ट है, ये देखो एक्शन टेकन रिपोर्ट है, जिसमें सीडी भी है, स्टेशन रिपोर्ट है, बिल्कुल इसके दो। तो इसमें क्या कर रही है पुलिस कि झूठ बोलती है मैडम, ऐसा नहीं हुआ। उनका एमसीडी का कौन डिप्टी कमिश्नर मिस्टर चेरियन आईएएस अफसर होता है, वो कह रहे कि मैं मौके पर था, मैडम ने होल्ड खाली नहीं किया, इन्होंने कुछ नहीं किया, धरने पर बैठे और अपने वापिस चले गए, लेकिन इन्हें होल्ड नहीं मिला, हमारे पैसे बेकार गए। उसके बाद ये देखो आप, ये देखो ये एरिया के लोग हैं 6 लोग, कौन कौन है, मिस्टर अमर नाथ, महावीर सिंह, विजय सिंह, सतबीर सिंह, गुरविंदर सिंह, वरुण अपार्टमेंट, ये वरुण अपार्टमेंट के आदमी है जो कह रहे हैं कि मैडम झूठ बोल रही है, सब भदवा जो आपके खिलाफ कांग्रेस के चुनाव लड़े हैं बोल रहा है वो आपके साथ है। हाँ, और देखो समझ गए, इसमें लिखा है कि प्रोटेस्ट हुआ, डेमोक्रेटिक राइट है, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने होल्ड खाली नहीं किया, बस इतनी सी बात है। अब मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। नहीं, एक सवाल ये भी है कि आप कहते हो कि दोनों ने 4 जनवरी 2014 को जो केस इन्होंने या एफआईआर की थी वो आपने मुझे, जैसा मुझे पीछे पता चला कि आप ये कहते हैं कि वो जो है डिसमिस हो गया था केस, और वो कहते हैं कि ये उसी केस को चलते हुए उस केस की सुनवाई। मैं आपको कानून के बारे में बताता हूँ, मैं लॉयर नहीं हूँ लेकिन मैंने केस इतने कर लिए हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट नहीं गया, बिना डिग्री के, बिना डिग्री के, मुझे बेसिक समझ है और आपको भी हो जाएगी जब आप चक्कर काटोगे। तो देखा मैं चक्कर क्यों काटूंगा, किसी भी आदमी का अधिकार है, अगर घटना घटती वो थाने जाएगा एविडेंस के साथ, थाने वाले यदि कंप्लेंट नहीं करेंगे तो वो पुलिस कमिश्नर तक जाएगा, वो भी नहीं करते हैं तो वो कोर्ट में जाएगा। 200 CRPC में प्रोविजन है, उसके अंदर 156 भी सेक्शन है, उसके तहत आप कोर्ट से डायरेक्शन लेकर एफ आई आर ला सकते हैं। देखो एफ आई आर का कंप्लेंट केस का फर्क क्या होता है, जो कंप्लेंट केस होता है उसके अंदर एक्यूज के साथ साथ कंप्लेनेंट को कोर्ट में हाजिर रहना पड़ता है, और एफ आई आर में क्या होता है जो कंप्लेनेंट है वो खाली जब दवाई होगी तब आएगा, उसके अलावा नहीं आएगा। इसलिए लोग आमतौर पर ये भी मैडम बचना चाह रही थी सीआरपीसी 200 के अंदर मैं ड्रॉप कर दूं, इसलिए 10 साल तक ये कोर्ट में नहीं गई। 2015 अक्टूबर से लेके मार्च 8 से पहले क्यों नहीं कोर्ट में गई मैडम, यदि सच्चाई थी तो हमारी जो वीडियो डली है उसका रिएक्शन सुनो। और इनके ऊपर कोर्ट ने फाइन किया है ना जाने पर, एक बार 2000, एक बार 1000, एक बार 2000, लाख मार देंगे, कभी इनके पिताजी जा रहे हैं, कभी इनका वकील जा रहा है। सुनो मेरा कहना यह है, सुबह विजेंदर जी को पीछे कौन भड़का रहा है मुझे नहीं मालूम, यदि आप सच्ची हैं समाज के अंदर, अगरवाल समाज की बात, मैं आपकी धर्म जाति को नहीं मानता, अगरवाल है तो है, इन्होंने आपकी वीडियो में कहा कि अगरवाल समाज को इकट्ठे होकर इनको ये करना चाहिए, वो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल समाज की मीटिंग आप बुला लो, मेरे सर पे जूते मारना यदि मैं 1% भी गलत हो तो, और यदि मैं गलत हूं तो जूते मारो, मेरे जूतों की माला बनाओ और मैं 1 लाख रुपए इनकी एनजीओ को डोनेशन दूंगा अपनी नेट कमाई में से, वरना इनके साथ क्या होना चाहिए वो फैसला वहां भी जनता करेगी, उनमें हिम्मत होती है मीटिंग बुलाकर इस काम को कर दे, कोर्ट में चलता रहे। अब आप करो, मैं तो इसलिए आपकी बात सुनने आया था, सुन भी ली मैंने, अब आप करो कमेंट। सभी मेरे चैनल को देखने वाले या जो भी रोनी क्षेत्र के या जो भी राजेश गर्ग जी को या अपने शोभा विजेंद्र जी को जानते हैं या उनके एनजीओ से संबंधित हैं या उसके बारे में उन्होंने कभी सुना है, ये कैसा एलिगेशन था जो शोभा जी ने कई बार कई मुद्दों पर कई चैनल्स पे और कई माध्यम से उन्होंने राजेश गर्ग जी के साथ लगाए हैं उनके ऊपर, और ये मेरे ख्याल से पहला मौका है।